लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उन्नीस सौ 1967 पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में कुछ किसानों ने उन जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए जो उनकी जमीनों को हड़प चुके थे। यहीं से शुरुआत हुई उस नक्सल आंदोलन की जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इन नक्सलवादियों का मानना है कि ये देश उस वक्त तक आजाद नहीं समझा जाएगा जब तक इस देश का किसान भूख और शोषण से आजाद नहीं होता। ये फिल्म इसी नक्सल आंदोलन से जुड़ी एक सत्य घटना पर आधारित है। से दूर मैं कुछ लोगों के लिए खाना बनाने का काम करता था। उस दिन पहली बार मुझे किसी जगह खाना पहुंचाने को कहा गया, लेकिन उस दोपहर को जो भी मेरे साथ हुआ उसमें मेरी जिंदगी ही बदल गई। इतना लेट लेके आया तुम्हें खाना? पहली बार आया, थोड़ा जल्दी निकल।
मणि मणि कितने लोग? राजनाथ और विश्वा को गोली लगी, चिका माधप्पा और रघु नहीं बचे। तसली करें और उन लोगों सुअर के पिल्ले सोचते होंगे कि अब हम चुप बैठेंगे। लाशों को जलाने की तैयारी करो, फिर खाना खा के चलते हैं। और उन पुलिसा आख्या नोज को थोबड़ा बिगाड़ डालो, बहुत घमंड करकू है राठौर साला। Hey, उठो उठो, बहुत काम है। तुम लोग लाशों को जलाने के लिए जीप से तेल ले आओ। हाँ ना। चलो। कमलों को कर, उन्हों क्रांतिकारी है, उनका खून फालतू नहीं जाएगा। खाना नहीं खाना है क्या? कमा करने के लिए बदन में ताकत चाहिए। चल खाना खा ले। राजन, विश्वनाथ और मधु को कैंप ले जाएंगे, वहां जीप से रानपाला भेजेंगे। मणि, तीन लोगों के साथ इन पुलिसा की लाशा को लेकर पुत्र ले जाना और लटका दे चौक में। ए, चलो। ए, उठ, लाश उठा। नवाब का बच्चा है रे तू, पुलिसा तेरा पीछा करके इधर आया, हम नहीं बचाते तो तू इधर ही मर जाता। चल उठा। चल देख क्या रहा है, उठा दूसरे को पकड़। बीजा बोने का काम आज ही खत्म कर दो, बारिश आ सकती है। नरसी माँ ले ले पदा, अस्कुल ना को जाना। पिताजी का अस्पताल का खर्चा, कभी जो रुकू बच्चा होना। अरे पहले इतना लेकू रखू, वो कैसे लौटाती? जमीन अभी चली गई तुम्हारी, अभी और पैसा होना तो घर गिरवी रखो। चिंता न को करो, इसी के वास्ते संभाल के रखा था। वापस दे दूं मैं। चलो रात होने से पहले पुत्र पहुंचना है। उस रात पुत्तूर में लाशों को लटका कर हम जंगल कैसे पहुंचे ये मुझे याद नहीं। सुबह को आंखा खुली तो पता चला मैं जिंदा हूं। काफी और मोगरे की जगह गोली और मौत सूंघने को मिली। कैसे कम पड़ गया?
अभी एक के चवार शहर जाना और पूरा दवा लेके आना। हाँ बैंडेज भी दादा से पूछ ले। हाँ ना हमारे सिपाहियों का राखा ठंडा नहीं हुआ, सब कामा कर रहे और तू अभी छुटा। हट काम पे लग, मेरे को घर जाना। अभी यही तेरा घर है? देखो घर जाना। देखो कब नहीं क्या तू? मैं तो खाना बनाने के बाद तो। तेरी वजह से मेरा तीन तीन सिपाही मरा, उसका जगह कौन लेगा? तेरा बाप। लोगों की जान लेना मेरे को नहीं होना। फोकट में खाना खाएगा तू? ए कोई समझाए नू हटो। ए मालूमात होते हुए भी अगर कोई छुप रहा तो उसका भी यही हाल होगा। येवरन नवाल गुरंची तेल पीते इनाम इस्ता। नायरू बोलिस को उतार। यस सर। हे रास्ता चलो। कैसा है रे तू? काय को ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के बैठा है? वो ना बोले इधर ही चाहिए को। डर लगता है? बंदूक उठा, मर्द बन। कहाँ जाने चाहे तू? मेरे को मेरे पैसे होना। पैसे? करियप्पा लेके आ मेरे को यहाँ खाना बनाने के वास्ते। बोला महीने के 1500 रुपया दे तू। 3 महीने हुए, 1 रुपया नहीं दिया। अगर मुझे अपने पैसे नहीं मिले तो मैं भी वापस जाऊं। जा जा, चिक्का मदपा रघु तेरे चक्कर में मरे, तू भी मर। कुत्ते की तरह मारेंगे पुलिस आ तेरे को। नको ये बंदूक चलाना, नको मेरे को मेरे पैसे दे दो, मेरे बच्चों के खाने के वास्ते। माइथली आधा बोरी चावल और 2 किलो दाल दे इसको। मेरे को मेरे पैसे ना। बात कर तू मैं वेलू से पैसों के वास्ते, लेकिन लड़ाई तुझे लड़नी पड़ेगी। बच्चे, उनकी पढ़ाई। पढ़ाई? तेरे को मालूम सिर्फ हमारे आंध्रा में कितने लोग का डिग्री लेकर बैठे हैं? 6 लाख मजदूरी का काम कर रहे हैं, गले में फंदे लगाकर मर रहे हैं। तेरे बच्चों का भी यही होगा। कुछ कह रही हूँ मुरली, मेरे को लगता है कि सुनना। उधर रख दे। मैं घर जाऊँ तो? ऐसे जाएगा? रुक, तेरा शर्ट दे देती हूँ। अकेले जाएगा? जंगल में खो जाएगा। कृष्णा, कृष्णा, हो? तुम इसके साथ जाओ और सुबह होने से पहले वापस आना। हो? चलो नरसिम्हा। बोले
तुम होकर आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ। बच्चे सो गए? हाँ। जल्दी सो गए? हाँ। पानी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद है तुम। क्या करूं, काम ही जैसा। अगले बार शायद महीना दो महीना भी लग सकता। तुमको क्या मालूम लोगा कैसी कैसी बातें करता। लोगा की बातों को अंजान मारो, क्या रो, जो भी कर रो, तुम लोगों के वास्ते काम कर रहा हो ना। बच्चों के फीस के वास्ते पैसे होना, जूते भी फर्क हुए दोनों के। चिंता ना करो, आ जाएंगे पैसे, मैं ले आऊंगा पैसे। चला 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 चला, रोल करो, रोल रोल, अप अप। है ना, ठीक से राइफल देखो, ठीक से मारो, राइफल देखो, ठीक से मारो। उठ। क्या समझ के रखा अपने आप को? चलो उठ सामाजिक, जंगली जानवर की तरह को क्या मार रहा है। ए, चलो चलो जरखंडी माँ खड़ा, वो लोग सोचेंगे भी नहीं हम लोग इतनी जल्दी हमला करेंगे। ए सोमा, जीप निकाल। ए, कौन मिलने जा, चलो उठो। किधर को? किधर को? ये सवाल नको करने का, वेलो आना का ऑर्डर है। स्वामी तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। नरसिम्हा इन चीजों की आदत डालो, अब तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। चलो चलो। हो गया ना, ठीक है। लाल सलाम। लाल सलाम।
सरकार बड़ी शर्मिंदगी में है और राठौड़ वो तो गुस्से से तड़प रहा है। सभी न्यूज चैनल 24 घंटे यही न्यूज दे रही है। आप भी क्या डबल बैरल गन चलाती है। उन लोगों को भी पता चलना जरूरी है, हमें चुपचाप बैठने वाले नहीं। मुरली आओ ना। सीएम भी परेशान है और ऑपोजिशन वाले भी नाक में दम करके है। और हम सुने कि आगाड़ी में 19 पुलिस वाले और कुछ गांव वाले भी मरे, और गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारा हथियार था, इसलिए आप लोगों ने वहां हमला किया। पुलिस वालों को शक हो रहा है, कोई खबरी आपको आगाह कर रहा है। मेरा गुना बस एक ही ख्वाहिश, उस राठौर को उल्टा लटकाने का। अन्ना का खाना बाद में नसीमा, तकदीर देखो साले की, तीन बार बच गया। खाना सुबह से वैसे स्वर के बच्चे पुलिस कमजोर बन के रहेगी तो कुछ नहीं होना। बंदूक पकड़ लेगी तो डर कम हो जाता है। मैं तो कितनी डरेच नहीं लगता। चारे पुलिस वाले सोचे तो तरस आता, सरकार की नौकरी करके हमारे दुश्मन बन गए, हमारे साथ होकर लड़ाई में मर जाते तो भी इज्जत से दफना तो देते। अन्ना खाना बस बस ए इधर आ। पकाए से मुर्गी को जान आकू, मुर्गी वापस उड़ गई क्या? बाकी लोग अभी खाए अन्ना, बचा हुआ खाना लेकर आया मेरे लिए तू? नहीं नहीं, आपसे पहले भी तो पूछा था ना मैं। मेहरबानी किया तो मेरे पे। बेलो ना, क्या तो भी गुस्सा, खाना नहीं लेना मेरे को। बेलो अन्ना खड़ा जानते तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसे अकेले रहना तुम्हारे वास्ते, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों के पास चले लक्ष्मी।
सब जानती है मैं इसका तो। अरे लक्ष्मी तो अभी तक सोई नहीं, तू इन दोनों के साथ सो जाना ठीक है? कुछ कुछ आजा बैठ मेरे साथ रह लेना। संभालना ये खराटे बहुत मारती है। अक्का देखो ये हर बार ऐसे ही कर। अरे बस बच्चे की तरह लड़ते रहते। मैं खराटे मारती बस कर अक्का। तो जा सो जा अक्का। वो रात अक्का वेलू अन्ना से बात की है क्या? मेरे पैसे के वास्ते। कल सुबह बात करेंगे अक्का। कहा ना कल सुबह बात करेंगे। जा सो जा। पंद्रह साल की उम्र से बंदूक उठाई है मैंने, तब से किसी से डर नहीं लगता। कम्युनिस्ट हो? नहीं जर्नलिस्ट, तेलंगाना समाचार। आपके दलम में कितने लोग हैं? नहीं मालूम। आपका लीडर? बिल्लू अन्ना। वो जो अगाड़ी में पुलिस स्टेशन में हमला हुआ था वो क्या? वो सब के बारे में नहीं मालूम। चलो और कितना दूर चलना है? बस थोड़ा आगे। एक घंटे से यही सुना, अब इसको निकाल देता हूं। अच्छा नहीं होगा। खोलो। राघवन वेलू अन्ना आओ। जरगंडी जरगंडे आओ जल्दी। हाँ अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो उधर देखो। वो वहां पर सीधे ऊपर। हाँ चलो चलो एक बार फिर चलो चलो जाओ चलो। कमाल है, करना पड़ता है, लोग आके हक का सवाल है। ये पीपल्स आर्मी है। सुना था पर इतना प्रोफेशनल तरीके से चलता है पहली बार देखा। राघवन सरकार के पास बहुत पैसा है, हथियार है, लोगा है, हमारे पास सिर्फ जुनून है। इफ यू डोंट माइंड वेलू सर, सरकार कहती है कि आप सरकार के सुधार के विरुद्ध हैं, यू आर एंटी डेवलपमेंट। 2000 एकड़ जमीन जमींदारों से वापस लेकर उन गरीबों को बांट दिए, उसमें बोरवेल लगाए, 5 गांव स्थापित करे जिसमें स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। ऐसा सब एंटी डेवलपमेंट काम करते हैं हम लोग। छापना वेलू सर कहना है। हाँ खींचो आओ। औरतें भी ट्रेनिंग करती? ये उन लोगों की भी लड़ाई है, हम औरतों को किसी से कम नहीं समझते। नहीं नीचे नहीं ऊपर ऊपर सामने नजर सामने। हाँ टारगेट से नजर मत उठाओ। हाँ थोड़ा और ऊपर आओ। लक्ष्मी तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। क्या हुआ ऐसे क्यों खड़ी हो? डरो मत, ये लो इसे पकड़ो। कोई भी हद से बाहर हो मार डालो। लो इसको अभी से। हाँ पता नहीं उसे इसकी कब जरूरत पड़ जाए। कितनी आसानी से करते हैं आप लोग ये सब। आसान तो है, ट्रिगर खींचो कहानी खत्म।
भगवान ये एकदम 1970 का कंबोडिया वियतनाम लग रहा है। इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए पैसा बहुत लगता होगा, कहाँ से आता है? इधर ही के लिबरेटेड जोन से। देखो पहली बार उनको पूरा मेहनताना और पूरी सहूलियत मिली है, बदले में हम उनसे थोड़ी खुराक भी लेते हैं, लेकिन सरकार की तरह उनका खून नहीं चूसते। पैरेलल गवर्नमेंट, इसीलिए सरकार तुम्हें खत्म करना चाहती है। क्योंकि हम उनकी पोल खोल देते हैं, तभी वो बाहर के आतंकवाद को छोड़ के हमारे क्रांति को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म और रेवोल्यूशन में बहुत फर्क है, वो लोग देश के खिलाफ हैं, हम लोग सिस्टम के। तुम किस्मत वाले कि हमारे साथ इतना टाइम बिताया। जानते हैं हम कॉमरेड कृष्णराज का मेहरबानी। तो अब हमारे बारे में सब सच सच लिखना। क्योंकि बाद में और कॉमरेड कृष्णराज ने अभी बात हो ना। अरे बाद में बोला ना तुझे। कॉमरेड कृष्ण तो महीने का 1500 रुपया दे तू बोले, मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ हक का पैसा होना। 3 महीने हुए आना, मेरे को भी बीवी है बच्चे हैं। मेरे को नहीं है, मर गए सब। मालूम है किसके वास्ते? तुम जैसा लोगों के हक की लड़ाई के वास्ते। अरे तुम लोगों के वास्ते बच्चा पैदा करने का हक छोड़ दिया हम। याद नहीं साला कब आखिरी बार किसी औरत के साथ सोया मैं? माकड़ा पीठ पे लगी हुई गोली नहीं निकाली आज तक, किसके वास्ते? किसके वास्ते? लेकिन मेरे को पैसा होना बच्चों के वास्ते। क्या अन्ना नरसिम्हा, इसको अंदर नहीं, इसको ऐसा कंधे पे रखिए। क्या है, आप पिछू न चले जाओ और बाद में इससे ये इधर नहीं, ये मैगजीन है, इसमें गोली है, इधर इधर ऐसा थोड़ा दबा के कंधा लूज। बोतल दिख रहा है? निशाना लगाओ बाएं आंख बंद करके, दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। मारो। सोमन्ना कितना अच्छा निशाना है, मुझे भी सिखाओ। हम मजाक नहीं करते। ऐसे साड़ी पहन के बंदूक चलाती? राधक्का से कपड़े ले लो और 1 घंटे बाद मिलो मुझे, ठीक है? नरसिम्हा, लक्ष्मी तुम कितना अलग दिखता जी। अब यही मेरी जिंदगी है, जीने का भी इधर, मरने का भी इधर। पुलिस आ तुमको काय को लेकर गई? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करती थी, सोना चाहता था माकड़ा मेरे साथ, मैं ना बोली।
तो चोरी का इल्जाम में मुझे पुलिस में दे दिया। सारे पुलिस ने मुझे पूरी रात एक के बाद एक फिर मुझको बाहर फेंक दिया। अब जब पुलिस लोग आए सा तो हम जानवर है साले। नरसिम्हा तुम शादीशुदा है? हाँ, बहुत अच्छी बीवी है मेरी, दो दो बच्चे हैं, शैतान लेकिन पढ़ते हैं पढ़ते। अन्ना हाँ, तेंदुपत्ते के कॉन्ट्रैक्टर को खबर दे दिया है, उन लोगों को सुमनपल्ली के गोडाउन में बुलाया है। ठीक है, तुम लोग अलग अलग बस में जाओ, पजी पा पहुंचते हैं। आओ अन्ना। हाँ, खतरा हो सकता है, असला लेके जाना, सालों को एक भी तेंदुपत्ता बेचने नहीं देंगे। माँ कड़े सोचते वही बीड़ी बना सकते हैं। तो अन्ना ये नहीं चलेगा। तुम्हें क्या हम होले दिख रहे हैं? हाँ, और कितना खून चूसोगे ये तेंदु के पत्तों के वर्करा का? अन्ना 2 रुपए ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मैं तुमने 3 रुपए देता, अपना परिवार पाल के दिखाता। वेलोना आप डबल पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, फिर तो ऊपर का टिकट काटना पड़ेगा, पहले कौन जाता? नहीं अन्ना, आप अन्ना ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं ऐसा कर सकता, तुम्हें मार के तुम्हारे उस राठौड़ के घर के सामने उल्टा लटका सकता मैं। अन्ना अन्ना उस वो सरकारी ऑफिसर को भी तो देना पड़ता है ना। अरे अफसरा का जूता चाटेंगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। हमारे साथ एक होकर खड़े रहते तो यह दिन देखना पड़ता। अन्ना जो भी है मामला यही खत्म कर दो ना। 5 रुपए बहुत ज्यादा है, और 20% टैक्स। अन्ना हम लोग मर जाएंगे। मुरली इन लोगों का लेके जाओ। अन्ना अन्ना 5 रुपए मजूरी, मर्दा को भी औरतों को भी। तुमसे, तुम सभी लोग ऐसे जिनको पढ़ना लिखना आता। मैं किताबों के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता हूं, हथियारों से ज्यादा ताकत होती है इन शब्दों में। अन्ना जब आप वेलो अन्ना राधा का वादा करते हैं ना तो मेरे अंदर जोश आता। मेरे को भी सिखाओ ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना आता। ये लो इसे रोज बोल बोल के पढ़ो, जब ये हो जाएगा तो लिखना भी सिखा दूंगा। सरकार जनजागरण प्रचारम प्रीति वर्मीना आवेदना व्यक्त परिचिंदी। ये सरकार हमारी हालत क्यों नहीं समझती? हम लोग का वोटा डाल को सरकार बनाते, क्या फायदा? सब कुछ वैसे का वैसा ही है। इस देश में खाना पानी और कपड़ों की कमी नहीं है, पर ये नेता और सरकारी अफसर, इन्हें सिर्फ सत्ता और पैसा चाहिए। बलात्कार कर रहे हैं देश का, अब हम इसे बदलेंगे। पर ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है। कॉम्रेड कृष्णराज के यहां से आ रहा हूं। 4 हफ्ते बाद GMWG की मीटिंग रखी है। कृष्णराज चाहते हैं कि तुम उनको टिप्पो गोंडन पालिया में मिलो। बड़ा फैसला होने वाला है। और कुछ? गोविंद रेड्डी के घर पे हमला करना है। कॉमरेड कृष्णराज से कहो कल गोविंद रेड्डी नहीं रहेगा।
खबरी कौन? हाँ लक्ष्मी रा रात पुलिस को खबर करके जिसने तुम लोगों का जान खतरे में डाला वो पुलिस को यहां भी ला सकता मुझे उसका पता होना तू खड़ी गायको तेरे को इंसाफ नहीं होना जा पता लगा तेरे पे कोई शक नहीं करेगा बाजार जा रही हूँ किसी को कुछ चाहिए लक्ष्मी एक काम करना नरसिम्हा के लिए 2-3 नोटबुक्स और कुछ पेंसिल्स लेती आना और किसी को कुछ चाहिए मैं भी आ रहा हूँ आजकल तो मैं मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करती वक्त है मेरे पास पोस्टर्स कौन लगाएगा इस लक्ष्मी और नरसिम्हा के लिए वक्त है सिर्फ मेरे लिए नहीं तो क्या करूं पोस्टरों के साथ ही सोते रहना मजा आएगा एक साल से बेकार बैठा था खेता भी सूखे थे तो यहां चला आया तुम्हें कौन लाया इस दलम का नहीं था और घर वाले सब
कोई नहीं, अकेला हूं। शादी भी नहीं करे या फिर कोई पोटी? यहाँ पेट को अनाज नहीं, और पोटी की बात कर रहे। मुरली अन्ना, ये नरसिम्हा की किताब है, उसी को दे दो। मुझे मौका मिलता मैं सीधे तुम्हारे पास आता ना। झूठ। मेरे पास तुम लोगों का कुछ सामान है, जिसका भी आंखों ले जाओ। चलो ना, ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, उसे तुम पे बहुत भरोसा है, उसे ढूंढो। डब्बा इस पर नजर रख, इन्हें कृष्णा को मारता तो ठीक, वरना दोनों को मार डाल। नरसिम्हा चलो। कृष्णा अन्ना, कृष्णा कृष्णा
नरसिम्हा अन्ना अकेले हो हवा ना कालू अन्ना नरसिम्हा तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं किया ना नरसिम्हा तुम सब जो लोग सोच रहे हो वो बाता नहीं है मैं मजबूर था नक्सल और पुलिस वालों के बीच में मैं फंस गया था अगर मैं ये सब नहीं करता नरसिम्हा तो वो लोग अच्छा वाह नरसिम्हा तुम आ गए टिगर खींचो कहानी खत्म जिंदगी में पहली बार हमने किसी को मार डाले उसी को मार डाले जो हम पे भरोसा रखते थे कृष्णा की मौत से हम लोगों की लड़ाई को क्या हासिल हुआ क्या उन्होंने इस वास्ते मारे क्योंकि उन्होंने अलग सोचते थे या इस वास्ते कि उनकी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई से अलग थी सबब जो भी था किसी को ऐसे मारना दिल को अच्छा नहीं लगा इस बार मामला काफी गंभीर हो चुका है आप लोगों ने सुना होगा कि यहां के लोहे की खदान का ठेका मैक आयरन एंड स्टील कंपनी को दिया गया है इसलिए यहां का सारा लोहा पड़ोस के जिले में जाएगा वहां एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है क्योंकि वो साला मनोहरन उसी जगह से है वहां बैठकर लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे और यहां हमारा सारा का सारा जंगल खत्म हो जाएगा यहां के लोगों के लिए खाने पीने के वादे हो जाएंगे काम का कोई जरिया नहीं रहेगा वो स्टील प्लांट यहां बने हमने बहुत कोशिश की बहुत जोर लगाया हमारे दोस्तों ने एनजीओस ने लेकिन सारा प्रयास नाकाम रहा अगले हफ्ते मैकायन कंपनी के कुछ लोग और सरकारी अफसर यहां आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे ऑफ द रिकॉर्ड ये गोविंद रेड्डी का हादसा हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क का बहुत बड़ा फेलियर था दरअसल हम लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कृष्णा सर कितनी आसानी से बोले इसको मारो उसको मारो उन लोगों का भी घर है ना उन लोगों का भी बीवी बच्चे हैं ना तुम वेलो के दल में नए आए हो क्या हाउ सर विद्रोही की तरह बात कर रहे हो तुम नहीं सर सर दोनों तरफा हमारा ही लोग आए सर फिर इतना खून खराबा काय को सर काय को ये सरकार आतंकवादी है हिंसा वो करती है हम सिर्फ जवाब देते हैं काउंटर वायलेंस पूंजीवादियों के खिलाफ हाँ सर सर हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी ना सर कितना वक्त लगेगा सर सब कुछ पाने के लिए बहुत जल्दी है तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं सर पूछ रहा हूं सवाल पूछना बहुत आसान है लड़ाई है ये हार भी सकते हैं हम जीतना ही है जरूरी नहीं है जरूरी है हमारा होना
सर। हर 24 घंटे में तुम्हारी टीम में से एक मेंबर को मार डालेंगे हम। स्टील प्लांट को रोकने की हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अगले 7 दिनों में सारे लोगों को खत्म करेंगे हम। ये चेतावनी हमारी। दल सलाम। व्हाट आर यू पीपल डूइंग? जरियम चौदम, इतने रोक लगे हैं हम पर। इनमें 3 विदेशी हैं। दिस इज एन इमरजेंसी। अभी तक ग्रे हाउंड स्क्वाड का सैंक्शन नहीं मिला। विदाउट कमांडो यूनिट इनसे लड़ना। दुगारो जी, इनको जो सैंक्शन चाहिए देना। यस सैयर। 24 घंटों के अंदर उन लोगों को बचाना। सारे नक्सल गांवों को चान मारो। शूट एट साइड इफ नीड बी। वो हरामी कितना नक्सल गांव चलाए, गांव वालों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। नहीं चिलोड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़ रहे हम। तू जा। हमारी स्पेशल एडिशन में मैक आयन अपहरण केस, जिसमें सरकार को नक्सलवादियों के सामने हथियार डालना पड़ा। सरकार की इस हार को लेकर आज विधानसभा में काफी बहस हुई। हाँ। विपक्ष ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है, इस हादसे में 3 बंदूकों की हत्या कर दी गई है, जिनमें हाँ। से एक जापानी नागरिक था। पुलिस द्वारा निर्दोष गांव वालों की हत्या और उन पर हत्याचार को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ये आरोप लगाया गया कि सरकार नक्सलवाद के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है और उसे नक्सलवादियों से निपटने के तरीकों पर फिर से विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनता से माफी मांगते हुए मारे गए लोगों को मुआवजा देने का वादा किया। फिलहाल रायलपेट्टा में स्टील प्लांट बनाने का विचार स्थगित कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में है श्री मनोहरन नायडू, जिन्होंने रायलपेट्टा में स्टील प्लांट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जोर दिया था। मनोहरन साहब, आप कह रहे थे कि जो ठीक ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे, बाहर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स खड़े, क्या करना, क्या जवाब दूं मैं उनको? So, what time do you think the minister's going to come out? We will... Minister, what can you tell us about the police operation we are trying to hand out the Naxals?
It actually seems to have backfired and cost the lives of a lot of innocent people. Excuse me, I have to cancel this interview. I have some urgent meeting. Thank you. Please, sir, you have to tell us. My people will help you out. But, sir. Thank you. They say 16 people have been killed, sir. Sir, please, were there any children involved? Please, sir, it won't take a moment. The Home Minister won't give any explanation about the massacre in the villages, nor that there were any children involved. There are human rights organizations all over the place to figure out what has happened. We have no information yet, but once we have it, we'll come live to you from India, Andhra Pradesh. Naidu, कटे हुए सरों को बॉडी के साथ सी दो और बॉडी से सर मिलाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. నిమ్మకాయలు ఎలాగ? అది 20. టమాటాలు ఎలాగ? 5. పచ్చిమిరపకాయలు 3 రూపాయలు. అమ్మా కొత్తిమీర అమ్మా ప్యాజ్ మిర్చి అవి దేసి కడీ పత్తా హా ఆలూ హా ఇదే రారే లేదు రారే 20 రూపాయలు 20 రూపాయలు. అమ్మా ఏంటి ఓ పేపర్ అలా కితనా ఉన్నా गौर से क्या पढ़ रहा है? अका, अका आपने पेपर देखा? अका ये वो पुलिस वालों ने मेरा फोटा. अका, काम वाला ने देखा तो उमा और बच्चों का क्या? यही जिंदगी है. चलो वेले वाला ने बुलाया है. मुशैली के सरकारी स्कूल जानते? कल सुबह 8-10 लोग आ जाके उस पर हमला बोलो. सफेद है सुना नहीं क्या? आज रात को मुशैली के स्कूल में बहुत सारा हथियार आ रहा है, साथ में कुछ पुलिस वाले भी आएंगे. कल सुबह उनू को वहां से निकलने से पहले उन्हें उड़ाना. लेकिन स्कूल में काय को उन लोग सोचते कि हम स्कूल पर हमला नहीं करेंगे, इसके वास्ते हथियार उधर उतार रहे. लेकिन बच्चों की जान लगा. दो तीन औरतों को मुफ्ती में भेजो, जितने बच्चे निकाल सकते हो निकालो, पर याद रखना मेरे को वो हथियार होना. Bye.
ए बेटा खबर सही थी बेलवन्ना, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कम से कम 3 दर्जन राइफल्स, 12 बक्से ग्रेनेड और 20 बक्से गोलियां मिली। नरसिम्हा ने 2 बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस, एक बच्चे को गोली लगी और वो बस नरसिम्हा से सहन नहीं हुआ, वो बेहोशा हो गया। हम कैसे भी करके उसे ले आए। दो दिन हो गए, बुखार अभी कम नहीं हुआ? स्कूल वाला हादसा में बहुत धक्का लगा, डॉक्टर ले आए। दो दिन से कुछ नहीं खाया। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते तो? इसे हर 3-4 घंटे में बदलना पड़ता है, कोई है जो इसे बदल सके? मैं कर दूंगी। चूजा साला। बाहर जाके किसी को बताना नहीं। नरसिम्हा क्या हुआ? नरसिम्हा, मैंने अपने बच्चों को मार दिया, मैंने अपने बच्चों को मार दिया। नहीं, तुम नहीं मारा उनको। नहीं, मैंने अपने बच्चों को मार दिया। नहीं नरसिम्हा, तुम बच्चे को नहीं मारा, बच्चे को बचाया। नरसिम्हा, बच्चों को मार दिया। क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। नरसिम्हा, नर को मालूम तुम मेरी परवाह करते? तकदीर वाली है, मेरे को अपने बच्चों के पास जाना, मेरे बीवी के पास जाना। मेरे को, मैं बेलवन को बोलता, जाना मेरे को।
नरसिम्हा और कहां से फुर्सत मिल गई तुझे? अन्ना, मेरे को आपसे कुछ बात करना है। अभी नहीं। अन्ना, मेरे से ये सब नहीं होना अन्ना। जीसस। मेरे को पहले से ही पता था। अन्ना, घर छोड़कर पैसे कमाने आया था बच्चों की पढ़ाई के वास्ते, बच्चों के लिए नहीं। इतना महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, आप रोज पैसा देता देता बोल के। पैसा 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 पालवा मेरे को, वो सुअर का पिल्ला पोलसा कितना पैसा दिया हम लोगों को छोड़ने के लिए? ऐसा कुछ नहीं अन्ना। नहीं बता ना, कितने पैसे में बेचा तू हमारे धर्म को? अन्ना ऐसा कुछ नहीं अन्ना। नहीं कितने में बेचा? अन्ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। कितना पैसा दिया तेरे को धर्म बेचने के लिए? नहीं अन्ना, शांति से जीना चाहता हूं मैं, अपने धर्म के बारे में ना किसी को कुछ नहीं। ए, तेरी मां का होले दिख रहे हम तुमको, होला समझा मेरे को? मैं जा रहा हूं। ये गोली का आवाज किधर से आया? नरसिम्हा ये जैसा हो? नरसिम्हा पो नेन चूस कुंटा वो तू उधर जाके देख गोली किधर से चला। नरसिम्हा पो इटका तो इट पो इट पो इलेप्पा गोली किधर चला? उधर देखो मम्मी, उधर देखो कौन है? लक्ष्मी इसको मारा, सोचा दिलू ऐसा नहीं होगा, सारे मर्द एक जैसे ही। उसे जानती थी मैं उसे, वेलू ने कभी किसी औरत के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, पर लक्ष्मी के वास्ते उसके दिल में कुछ था। मुरलिया ना नरसिम्हा क्या दिख नहीं रहा, कहाँ गया होगा? नमस्कार। साहब चल रहा। लक्ष्मी तुम्हें पता है नरसिम्हा कहाँ है? शाम को बोला घर जा तू बीवी बच्चों को मिलने वास्ते।
सोमा और ना? मुझे नरसिम्हा चाहिए, क्रियाक्रम के बाद जाकर उसे लेकर आऊ। अन्ना, दलम में सभी लोग काफी घबराए हुए हैं, हमें उन्हें कुछ तो बताना पड़ेगा। सबको इकट्ठा करो, मैं बात करता हूँ। हाँ। और तुम राधिका को बोलो कि मनी को लेकर जाए और कॉम्रेड कृष्णराज को इस घटना की खबर दे। हाँ। हेलो राघवण, मैं नरसिम्हा। नरसिम्हा अन्ना, वो वेलू के दलम में मिले थे ना। नरसिम्हा, नरसिम्हा अन्ना, यारो नरसिम्हा, एक मिनट अन्ना, अन्ना एक दुखद घटना ने बेलू अन्ना को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। मैं नहीं चाहता कि इस घटना के बारे में कोई भी अटकलें लगाई जाए। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन अगर किसी को भी कुछ भी पता हो तो मुझे बताना। क्रियाक्रम के बाद अपना सामान बांधना शुरू कर दो, सुबह होते ही हम अपना कैंप यहां से शिफ्ट करेंगे। अब हम अपनी इस लड़ाई के सच्चे सिपाही के लिए श्रद्धांजलि देंगे। लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम। हाँ, सवेरे 5-6 बजे आती, उधर से सीधा गुंटूर। बता लिए ना तुम राघव अन्ना का? हाँ, राघव अन्ना को फोन करके बता दिए? थोड़ी देर में हम आते, मामला ठंडा होते ही। हाँ, आते बेटा, आते आते बेटा, बेटा कुछ दिनों में आते बेटा। पुर्लियाना, मेरे को लगता है नरसिम्हा भाग गया। एक जीप नहीं है और उसके घर पे भी कोई नहीं है। हमें सारी तसल्ली करको अब वरना। पता लग गया, ये मामला उतना सीधा नहीं है। उन तीन लोगों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। बेलू के बारे में तुम कुछ छुपा रही हो ना? नरसिम्हा कहाँ है? बता दो तो अच्छा है। चाहूं तो अभी मार सकता हूं तुम्हें, लेकिन औरतों को लेकर दलम के कुछ नियम हैं।
अगर तुमने जो कहा वो सच है तो तुम्हारा फैसला कॉमरेड कृष्ण राज करेंगे। मणि मुतो अन्ना पांच पांच लोगों की गुट बनाओ और नरसिम्हा को ढूंढो। कैंप को मदन पालिया ले जाना होगा। ठीक है। कोई चारा नहीं, नरसिम्हा को मारना ही पड़ेगा। इधर को सीधा चलो। चाय मिलेगा कुछ आजो आजो बेटा ले। ए, चाय बना दे दो अंदर का। ए, ये क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी बनाना। एक मिनट सारा अंदर आको बैठो ना। अरे किधर जा रू? तुम्हारा ऑमलेट रेडी है। गारू तुम्हारा ऑर्डर। गारू रेडी है। कहाँ? राइट सर, फतेह अली में नक्सलियों की गाड़ी दिखाई दी। उन लोगों को शक है मैक आयरन केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से एक ये भी था। फतेह अली में फोर्स भेज दो। राइट सर। हेलो इमीडिएटली फोर्स भेजो। निकले शिकारी है लाए कटारी है देखते है के तू मिले। किसने ये जाना है कब ये ठिकाना है तू बचे या ना तू बचे। जाएगा कहाँ बता तुझे भी नहीं पता। ओ बंधु होना अब है क्या पूछता है मन ये तेरा। हारेगा कब अंधेरा होना है कब सवेरा। ये कहाँ क्या है जीवन इतना ही सस्ता। तुझे हो पता तो बता। तीन दिनों से भाग रहे थे, किसी भी वक्त कहीं भी वो लोग हमें मार सकते थे। इस डर से राता को सोए नहीं, ना ही उमा और बच्चों की कोई खबर थी और ना ही भूख प्यास की परवाह, क्योंकि हर कदम हर पल हमारे लिए एक जीवन दान था। सोच रहा था कि सो जाऊंगा, पर मैं तो पहले ही सो पड़ा हूं। अभी जागने का टाइम। नागा ए नागा उठ।
नागा नहीं हो सकता, नागा इससे नहीं खेलता, नागा इससे खेलता है। पीते रहो, खुश रहो। नागा रेड्डी? हाँ, मैं नागा छूं। और तुम कौन? मैं नरसिम्हा। नरसु, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरे नरसु, अरे तू पांचवी क्लास में मेरी किताब लेको भागा था। 3 साल तक उसी क्लास में इंतजार किया तेरा, पर तू आए नहीं। और मेरी खटिया भी चुरा लिया। नागा, पुलिस अब मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे को मार डालेगी। मेरे को बचा लो नागा। इतना बड़ा हो के चोर पुलिस खेलना अभी भी नहीं छोड़ा? मेरे को कहीं छुपाओ नागा। बोतल में अंदर छुप सकूं? नागा, पुलिस आई आएगी तो हम दोनों को मार देगी नागा। मारू है क्या कर दिया तुमने? कितना बड़ा नुकसान कर दिया? अच्छा खासा आसमान पर उड़ रहा था, जमीन पे लाकर पटक दिए। तुम्हें नक्सल क्या था? नागा था, इसलिए तो पुलिस और दलम के लोग दोनों मेरे पीछे पड़े हुए। मेरे को बचा लो नागा। दो दो दुश्मन अवले, तेरी मौत पक्की। समझ में नहीं आता क्या करूं, बीवी और बच्चे की फिक्र लगी है। सीधी बात, एक के साथ वो को दूसरे से लड़ो, मरने का चांस 50-50। तुम्हारा पत्ता सही पड़ा, तुम्हें जिंदा, बाकी सब मुर्दा। बुरा ना को मानो, पर मैं तुमको इधर रात में नको रख सकता। ना, मैं अपने बीवी बच्चों की जान को खतरे में नको। ये रख लो। अपने लिए कुछ ले लो और मेरे को वास्ते कुछ खाना और एक जोड़ी कपड़ा ले आओ। ये बात ठीक है, कल रात तक इधर रुक सकता है। कल रात अभी सो जाओ। मैं गया और आया, बात सो जाओ। मेरे को जाकर वापिस जाना है। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या बोलते तुम? मैं जा रहा हूं। एक ही रास्ता बचा है, पुलिसा अपने दलम के बारे में बता दो, तुम्हें माफ कर देगी। उन लोगों का मेरे साथी धोखा नहीं दे सकते हम। तुम वापस जाएगा, साथी तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? क्या किया? सैकड़ों लोगों का जान लिया, स्कूला पर हमला किया। कितना बच्चा लोगों का जान जा सकता था? एक बच्चा तो तुम्हारे हाथ से मरा। भगवान को मालूम हम लोग को बचा रहे ना। कौन सुनेगा, कौन यकीन करेगा? तुम लोगों के लिए क्रांतिकारी, पर दुनिया की नज़र में पेपरा में आतंकवादी। ठीक है अन्ना, हम बता दे तू, लेकिन दलम के लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। कोशिश करता हूँ, तुमको मैं सुरेंद्र और राठौड़ से मिलवा देता। पुलिसा से बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ गृह मंत्री से बात करेंगे। गृह मंत्री से बात करना आसान नहीं है नरसिम्हा। तुम्हारा बीवी बच्चा मेरे घर पे है, मैं कब तक बचा पाएगा? मालूम, लेकिन हम सिर्फ गृह मंत्री से बात करेंगे। 2 घंटे बाद फोन करना,
मैं राठौर से बात करता हूँ। अन्ना आप साथ आएंगे ना? क्या बात है, इतनी इज्जत किस लिए? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। तुम पुलिस की मदद कब से करने लगे? तुम्हें तो बस नक्सल का यूनिफॉर्म पहनना बाकी है। वक्त के साथ होना पड़ता है, इस खबर में आपको फायदा है। अपॉर्चुनिस्ट, दोनों को फायदा है। हेलो नरसिम्हा, जिसके बारे में आपसे बात की थी, वेलू को जो मारा। नमस्कार। क्या कर सकता हमारे लिए? तलम के बारे में सब कुछ बता सकते हो। क्या चाहिए? बीवी बच्चे और मेरी हिफाजत, थोड़े से पैसे और वो तलम के बारे में जो मैंने बता दिया। आओ। गारंटी क्या? वो खुद आया है। हाँ वरना रंडन विषम चलो। ये जो कह रहा है, अगर वो कर देता है तो हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं और सरकार को क्रेडिट भी मिलेगा। वैसे भी सरकार इन मिशंस पर कितना खर्च करती है। ये जंग जीतना तो दूर, इनसे लड़ने का तरीका भी हम नहीं जानते। छोटी मछलियों के साथ अगर बड़ी मछली भी आ जाए तो बेहतर है। वो कृष्णराज, वही तो मेन आदमी है। भेजो अंदर। सर, तुम हमें कृष्णराज तक पहुंचा सकता? मैं कोशिश कर तो, लेकिन पहले मेरा काम होना। हाँ सुधाकर को बोलो, मिलने को बोलो। हो जाएगा। हाँ यार राघवन, यू विल गेट द न्यूज फर्स्ट। तुमको भी तो एडिटर होना। कब ये बारिश रुकेगी और कब हम मदन पलिया के लिए रवाना होंगे।
इन लोगों को अरेस्ट किए। इनमें लक्ष्मी है, कल रात को ही ले आए उसे इधर। जरा लक्ष्मी को मिल सकते हैं? जब आप लोग ड्यूटी पर थे तो ये कैसे हुआ? किसी ने देखा कैसे नहीं? पता नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया सर। हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग तो यहीं थे। ये सब क्या हो रहा, क्या हुआ? हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा सर। एक कैदी ने आत्महत्या कर ली सर। कैसे हुआ ये? लक्ष्मी मालूम नहीं, पता नहीं सर वो। उतारो से नीचे। लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया? वो उन सोरा के आता दोबारा बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। अब सवाल से मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत का नहीं था, सवाल उन हजारों बेगुनाह की जाना का भी था जो हर रोज इस जंग में बिना किसी वजह से मारे जा रहे हैं। इसको खत्म करने का एक ही रास्ता था, कृष्णराज की मौत। हाँ, बड़ी मुश्किल से हाँ बोला है। कल मुझे नालामाला जंगल में बुलाया है। 3 यूनिट कमांडो साथ में जाएंगे? नहीं सर, ही इज एक्सपेक्टिंग मी अलोन। पुलिस आने की भनक भी पड़ गई तो विल मिस हिम। मैं तुम्हें वहां इंटरव्यू लेने नहीं भेज रहा हूँ। आई वॉन्ट कृष्ण राज डेड और अलाइव। मैं वहां पहुंच सकता हूँ, किसी को मालूम नहीं चलेगा। नरसिम्हा, पर वहां खतरा है और बर्दाश्त नहीं होता, सब खत्म कर दे तू। तुम वहां अकेले जाओगे, हम तुम्हें दूर से कवर करेंगे। और कितनी दूर? थोड़ा और आगे, तालाब के पार। झील के उस पार। उधर संभल के। अरे शिवानंदा, क्या हुआ? ये गोली किसने? तुम, हमें सोचना चाहिए था। राघवन कोई चाल चलेगा। तुम्हें कहा था ना हमसे कि लोगों को मारकर क्या हासिल होता है। तुमने भी तो लोगों को मारा है, मारा है ना, और वो भी अपने लोगों को। बेलो, मुरली, राधका, सरलका, क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या कहा था उस दिन तुमने? दोनों तरफा अपने ही लोग हैं सर, खून खराबे से क्या फायदा, यही कहा था ना? करना पड़ता कभी कभी।
उसका घड़ी वही है। अंगूठी उसी का है। कल का ब्रेकिंग न्यूज होगा, डीआईजी राठौर चेसिन एनकाउंटर, नक्सल चेंदिन कृष्णराज मरणिंचारु। फाइनली संभाल के बेटा। अरे 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 सुनो सुनो। अरे अरे रुको, जूते पहन के अंदर किधर? पहले बैग उतारो जल्दी से। हाँ, और हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लेना चिन्ना, तुम भी। क्या ओके कर रहा है कैसे राजकु? अच्छा अच्छा, मेरा उससे भी अच्छा गया। अच्छा कैसे? क्योंकि मुझे होमवर्क नहीं मिला और आज मैं खेल भी सकती हूं। अच्छा होमवर्क नहीं मिला तो स्कूल अच्छा था। और आपको मिला? मेरे को तो दिया। अरे उमा दूसरा वाला, पहले वाला, पहले ऐसे आप लोग कपड़े चेंज करो जा। अच्छा उमा पीछे 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 दूसरा। टैक्स बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही। हाँ, वो वाला, क्योंकि वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन हमारा मकसद वहाँ सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए नहीं था। हम चाहते हैं कि वो सारा इलाका आबाद हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, गरीबी से छुटकारा हो, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे वहाँ। क्या कहा था उस दिन तुमने? दोनों तरफा अपने ही लोग हैं सर, खून खराबे से क्या फायदा, यही कहा था ना? करना पड़ता है कभी कभी। तो मुझे मारने आए थे ना, मार डालो, क्योंकि जिंदा मैं इन सोरों के हाथ नहीं आने वाला। 35 साल से मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूं और इसी विश्वास के साथ जी रहा था कि अगर हिंसा नहीं होती तो हमारी आवाज सरकार के कानों तक नहीं जाती। इतने सालों में हमने कभी नहीं सोचा कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसकी कोई मंजिल नहीं होती, पर अब हमें यकीन है कि हम उस शेर पर सवार हैं जिस पर हम ना काबू पा सकते हैं और ना ही उस पर से उतर सकते हैं। और यह भी बात साफ है कि सिर्फ सिद्धांतों के बल पर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। हम सोच रहे थे कि इस लड़ाई में हम दुश्मन से अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन यह नहीं पता था कि हम अपनों से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तुमने सही पूछा था नरसिम्हा, इस तरह कुछ नहीं होगा, इस तरह 50-100 सालों में कुछ नहीं होगा। यू आर राइट, कृष्ण राज को मरना ही होगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तुम क्या समझते हो पुलिस तुम्हें दिए हुए वादे पूरे करेगी, इस्तेमाल करके फेंक देगी तुम्हें, जैसे बहुत से लोगों के साथ पहले भी किया है? मुझे एक मौका दो नरसिम्हा, हमें वो हर चीज हासिल होगी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। तुम जैसे हजारों लाखों नरसिम्हाओं को नौकरी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं, मुझे आज जाने दो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा जब तक तुम चाहो। मेरी जगह पुलिस को मेरे बॉडीगार्ड की लाश मिलेगी, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। मेरा कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, दुनिया की नजर में कृष्णराज हमेशा के लिए मर चुका होगा।
नरसिम्हा निकलो। कृष्णमाचार्य जी, आप हमें ये बताइए कि इससे एक आम किसान को किस तरह फायदा होगा? इसे हम बात कर रहे हैं एक कॉर्पोरेट फार्मर मॉडल की। हम फार्मर से उनका सारा माल खरीद लेंगे, ऑल द प्रोड्यूस वी विल बाय, एंड अपने प्लांट में उसको प्रोसेस करके हम फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। इससे कम से कम 10,000 किसानों को फायदा होगा, और उसके बाद जब हमारी कंपनी का अगला फिस्कल बजट होगा तो कम से कम एक तो टेक्निकल। कृष्णराज को जाने देने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जैसे अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे कृष्णराज को उसकी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया, उसे उसके मकसद को पूरा करने का दूसरा रास्ता दिखाया। जीवन इतना ही सस्ता, तुझे हो पता तो बता।